सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सब ठीक है ना? बात करेंगे थोड़ा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है, और जब ये अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब ये आपस में मिलते हैं तो किस चीज का पैदाइश होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। आप में से कोई बताएगा है? आप में से कोई बताएगा अनसेफ एक्ट क्या होता है? कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है अनसेफ कंडीशन क्या होता है, पता है? कोई नहीं बता पाएगा। चलिए ठीक है, देखिए अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट के बारे में अगर सबसे पहले बात करें, हर वो काम, देखिए हर कंपनी में कुछ रूल रेगुलेशन होता है। आप जो है कि इतना कंपनी में काम करके आए होंगे तो आप लोग देखे होंगे काम से पहले क्या है, परमिट भरना पड़ता है, मीटिंग कराना पड़ता है। उसके बाद से है कि हम जो पीपी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, हेलमेट, शूज, जैकेट, ये जितना पीपी है ये सब पीपी क्या है, पहन कर काम करना पड़ता है। ये क्या है, कंपनी का पॉलिसी है, रूल है, ये हमें फॉलो करना ही पड़ता है, उसके बाद से काम कर सकते हैं। तो हर वो काम जो हम रूल तोड़ कर करते हैं, ठीक है, जितना भी काम है, जैसे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट नियम कानून बनाता है ना, और कोई क्या है नियम तोड़ देता है तो उसको क्या होता है, जेल हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी हर वो काम जो हम रूल तोड़ देते हैं और रूल तोड़ कर हम काम करते हैं वो क्या है, वो अनसेफ एक्ट कहलाता है। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है हिंदी में बात करें तो असुरक्षित कार्य, और अनसेफ कंडीशन के मतलब होता है असुरक्षित हालात भी बोल सकते हैं, असुरक्षित स्थिति भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई डाउट है इतना? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अनसेफ एक्ट हम जब किसी कंपनी में एंटर करते हैं, समझ रहे हैं ना, जब हम किसी कंपनी में नए नए जाते हैं काम करने के लिए, हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमारे सबसे पहले इंडक्शन होता है, होता है ना इंडक्शन, आप लोगों का भी हुआ होगा। आप किसी ऐसे कंपनी में जाते हैं जहां इंडक्शन नहीं होता है, तो इंडक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, जो कंपनी ने आपको इंडक्शन नहीं कराया आपके लिए अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन पैदा कर दिया, यानी असुरक्षित हालात पैदा कर दिया। क्यों और कैसे? ऐसे कि हम किसी नए जगह पर जाते हैं, वहाँ काम क्या हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन सा उसमें, उस काम में क्या क्या खतरा है हमको मालूम ही नहीं रहेगा, तो हम कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे। क्या हम गलती करेंगे तो क्या होगा, घटना होगा, और घटना होगा तो बहुत से आपका जिसके साथ दुर्घटना होगा तो उसके साथ तो होगा ही होगा, लेकिन जो उसके साथ जितना आदमी काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जितना आदमी कर रहे हैं सबको प्रॉब्लम होगा, और कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए, तो वहां पर क्या है कि जब किसी कंपनी में जब हम नए जाते हैं तो क्या है, इंडक्शन होता है। अगर आपका इंडक्शन नहीं हुआ तो क्या है, आपने वहां पर कंपनी ने अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर दिया और आपने काम भी करने लगा तो क्या है, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप साइट पर जाते हैं जहां आपका काम स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग होता है ना, टीबीटी बोलते हैं या टूल बॉक्स टॉक बोलते हैं, जो भी अपना भाषा में बोले। अगर वो मीटिंग अगर नहीं होता है, अगर सुपरवाइजर नहीं कराता है, तो सुपरवाइजर आपके लिए क्या कर रहा है, अनसेफ कंडीशन पैदा कर रहा है, असुरक्षित स्थिति पैदा कर रहा है। कैसे? तो आप जो है वहां पर काम क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या खतरा है और क्या खतरा हो सकता है, वो सब बताने का काम है सुपरवाइजर का। लेकिन सुपरवाइजर नहीं बताया और आप जो है वैसे ही काम भी करने लगे तो क्या हुआ, आप जो है कि उसने अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर दिया, लेकिन जो है कि आप वैसे ही काम करने लगे तो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, असुरक्षित काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम साइट पर आते हैं सबसे पहले मीटिंग करना है, और किसके साथ करना है, सुपरवाइजर के साथ। सुपरवाइजर से पूछना है कि हमको ये काम है, इस काम के बारे में बताइए, उसमें क्या क्या खतरा है बताइए। उसके बाद से है कि हर कंपनी में पॉलिसी होता है कि आपको शूज, जॉकेट, हेलमेट, ये जो दिया है ये सब पहन कर काम करना है, और आप जो है कि नहीं पहन कर रहे हैं
तो ये क्या है, आप जो है अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, असुरक्षित काम कर रहे हैं। आपने हेलमेट लगाया है, चेन स्ट्रिप नहीं लगाया, अनसेफ एक्ट है। आपने जो है कि सेफ्टी बेल्ट लगा लिया और ऊपर चढ़ गए, हुक एंकरिंग नहीं किया है, अनसेफ एक्ट है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जितना प्रोजेक्ट है इसके अंडर में 15 के स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना है, क्या है चला रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि ये प्रोजेक्ट के अंडर में यहाँ जहाँ काम हो रहा है यहाँ पर जो है कि ना बीड़ी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट ये कुछ भी नहीं खाना है, आप खा रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये जितना बताया क्या है, अनसेफ एक्ट है। आपका जो काम है, आप जो है कि फीटर है और आप रिगर का काम कर रहे हैं, क्या है अनसेफ एक्ट है। आप वेल्डर हैं और जो है कि आप जो है कि रिगिंग का काम कर रहे हैं, रिगर का काम कर रहे हैं, आप मेसन है कुछ और काम कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। तो और ये जितना है ये हम जो हर वो काम जो हम गलत काम करते हैं, मैं सिर्फ यही के नहीं बात बोल रहा हूँ, हम अब अगर घर पर भी अगर बहुत से ऐसे काम होता है जो हम गलत काम करते हैं तो वो सब अनसेफ एक्ट है। हम यहाँ पर आए हैं अपना में हंसी मजाक कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हॉर्स प्ले कहते हैं। हम जो है कि हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक करते करते क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, हो जाता है ना, वो भी अनसेफ एक्ट है। हम जहाँ काम कर रहे हैं अपने काम से मतलब रखना है, ना कि हंसी मजाक से, ये सभी अनसेफ एक्ट होता है। अब बात करते हैं अनसेफ कंडीशन की। अनसेफ कंडीशन क्या होता है, अनसेफ कंडीशन यहाँ पर जो है कि ये देखिए ये गड्ढा है, इसके साइड में क्या है बैरिकेशन नहीं लगा है, इधर साइड से आदमी जा रहा है, बैलेंस खराब हुआ, उसमें गिर सकता है, वो क्या है अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन मतलब असुरक्षित स्थिति हालात है, वहां पर कभी भी खतरा हो सकता है। आप जो है कि हाइट पर काम कर रहे हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया गया है, लेकिन क्या है वहाँ सीढ़ी जो है डैमेज है, आप देख रहे हैं कि ये सीढ़ी डैमेज है लेकिन आप फिर भी चढ़ रहे हैं, तो वो जो सीढ़ी है वो अनसेफ कंडीशन है, मतलब असुरक्षित हालात है और आप चढ़ रहे हैं फिर भी, तो अनसेफ एक्ट है। आप जो है कि अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, असुरक्षित कार्य कर रहे हैं। उसी तरह हम जो है कि हेलमेट लगाए हैं और चेन स्ट्रिप लगाना भूल गए, तो क्या है अनसेफ एक्ट है। तो हर वो काम जो आपको खतरे में डाल सकता है, एक्सीडेंट होने का पैदा करता है, तो वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। तो हमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से बचना चाहिए। जहां अनसेफ कंडीशन है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसको सही करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए अपने सुपरवाइजर या इंजीनियर को कि साहब यहां पर जो है कि अनसेफ कंडीशन है, पहले इसको सही कीजिए तो हम लोग काम करेंगे। फिर बात करते हैं जब ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब दोनों मिलता है तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। समझ रहे हैं ना, एक्सीडेंट कब होता है, ये जो है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ये गलतियों के कारण होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें या तो कंपनी का प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा या फिर आपको भी दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो जो अनसेफ एक्ट करता है, मैं बता दूं, सुन रहे हैं ना आप लोग, जो अनसेफ एक्ट करता है वो अपना जो है कि समझिए कि मर्डर नहीं करता, लेकिन हम जो है कि एक मिसाल दे रहे हैं कि वो मर्डर से कम नहीं होता है। वो डायरेक्टली किसी का मर्डर तो नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो किसी ना किसी का मर्डर कर रहा होता है, और एक आदमी का मर्डर नहीं करता है। यहाँ पर जितना कंपनी काम कर रहा है लगभग 1000 के करीब में आदमी होगा, तो उस सब का मर्डर कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं बता दूं, अगर यहाँ पर अनसेफ एक्ट कर रहा है उसको बताया जाता है कि भाई ऐसे गलत काम ना करो, क्योंकि गिरोगे तो तुम्हारा डेथ भी हो सकता है, मर भी सकते हो, लेकिन फिर भी कर रहा है, तो अगर वो गिरता है और जो है कि उसका डेथ भी हो जाता है तो क्या होगा, उसका जो कॉन्ट्रेक्टर है वो काम तो बंद हो जाएगा ना, वो काम बंद हो जाएगा वहां पर। और जब ज्यादा फटालिटी हो जाता है, मतलब किसी का डेथ हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, काम भी बंद हो जाता है। काम जब बंद हो गया तो क्या है कि जितना भी कॉन्ट्रेक्टर कंपनी काम कर रहा है सब बंद कर देगा, क्योंकि एक तरफ तो दुर्घटना हुआ है, मौत हुआ है, और उसमें तो काम करेगा नहीं, उसमें जो है कि क्लाइंट वाला को मालूम चल जाएगा तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगा
कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सुपरवाइजर नहीं था क्या? अगर सुपरवाइजर था तो फिर भी क्यों हुआ, इंजीनियर था फिर भी क्यों हुआ, सेफ्टी वाला था फिर भी क्यों हुआ, मीटिंग नहीं हुआ था क्या? अगर मीटिंग हुआ था तो जो ये दुर्घटना हुआ ये उसके बारे में बताया नहीं गया था क्या? ये सब जो है कि इन्वेस्टिगेशन में ये चालू किया जाएगा, ये सब चेक किया जाएगा। और उसमें क्या है कि उसमें प्रोसेस लग जाता है, आपको एक हफ्ता भी लग जाएगा, दो दिन भी लग जाएगा और महीना भी है। और गवर्नमेंट का जब इन्वेस्टिगेशन चालू होता है तो क्या है उसमें ज्यादा दिन लग जाता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे अंडर में इतना आदमी काम कर रहा है तो इतना आदमी का बिहेवियर कैसा है, यहाँ का सुपरवाइजर कैसा काम करवाता है, यहाँ का इंजीनियर कैसा है, तो हमको जो है कि ये सब पता करने में आसानी होगा। हम तो है कि एक घंटा में कर देंगे इन्वेस्टिगेशन और एक घंटा या फिर जो है कि एक दिन में भी कर देंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट का आदमी आएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फैक्ट्री का इंस्पेक्टर, तो वो क्या है उसको पहले जो है कि इंजीनियर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, फोरमैन कौन है पता नहीं रहता है। उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पर जितने आदमी काम कर रहे हैं उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, कौन अच्छा काम करता है कौन खराब काम करता है, ये सब जो है उसको मालूम नहीं रहता है। और ये सब पहले मालूम करने के लिए वो क्या है, वो सबसे मालूम करने के लिए उसको एक दिन लग जाएगा। और दूसरा बात जो है कि जब कि कहीं एक्सीडेंट होता है तो सुपरवाइजर इंजीनियर ये सब एक्सीडेंट छुपाने लगते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, एक्सीडेंट छुपाने लगते हैं कि भाई अगर मालूम चल गया तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर के क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब होगा तो हमको फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है कि वो सब छुपाते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है कि एकदम पूरा डीपली जांच करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है कि अगर वो आता है चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो क्या होगा कि एक हफ्ता मान लेते हैं, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ता तो सभी आदमी को बैठना पड़ेगा, रूम पर बैठेगा ना एक हफ्ता, क्योंकि वो अपना पहले चेक फेक करेगा। तो एक हफ्ता बैठेगा तो एक हफ्ता आप लोग काम जब नहीं कीजिएगा तो क्या कॉन्ट्रेक्टर एक हफ्ता का पैसा देगा? नहीं देगा, नहीं देगा ना। एक हफ्ता के लिए आप लोग अपना पैसा से अपना खर्च और चलाइएगा ना। एक हफ्ता में अगर 500 के हिसाब से अगर बात करें तो आपका 500 के हिसाब से बात करें तो आपका 7×5 3500 यानी 4000 के आसपास में दहाड़ी आप लोग का 4000 गया। आप लोग को मिल सकता था 4000, वो तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि आप लोग जो है एक हफ्ता खाइएगा, रूम पर रहिएगा तो कहीं घूमने जाइएगा या कुछ आप लोगों खाना पीना, तो उसमें तो पैसा लगेगा। पर डे के हिसाब से अगर 300 रुपया एक आदमी के जोड़े आप लोग काम करते हैं तो एक दिन में कितना खर्च कर लेते हैं बताइए? अभी काम कर रहे हैं तो एक दिन में आप लोगों का कितना पैसा खर्च हो जाता है? 50 रुपया। लेकिन आप जब रूम पर बैठिएगा अपना खाना का भी बताइए, 250 पकड़ ले, 300 समझ लीजिए, 300। अब रूम पर जब बैठिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो बिजी हैं, लेकिन जब हम फ्री रहते हैं तो हमको हमारा माइंड जो है सोचता है कि चलो यहाँ से घूम लेते हैं, वहाँ थोड़ा घूम कर, वहाँ मार्केट थोड़ा घूम कर आ जाते हैं। अब जब हम मार्केट जाएंगे तो क्या होगा, हम कहीं देख लिए कि अरे यहाँ तो बिरयानी बना है, यहाँ तो जलेबी बना है, थोड़ा इसमें से खरीद लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, इसमें तो कितना आपका पैसा गया बताइए? फ्री टाइम में हमारा माइंड जो है कि एक जगह नहीं रहता है, डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारा माइंड क्या है, एक जगह रहता है, हमारा काम में रहता है। तो हम जो है कि जब मार्केट में जाएंगे तो हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो हम रूम पर बैठेंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा। मान लेते हैं कि आपका एक दिन का 500 खर्च होता है, तो जो है कि आपका जो है कि एक हफ्ता मानते हैं तो लगभग 4000-5000 आपका सो दिहाड़ी का 4000 गया और आपने खर्च भी इतना कर दिया 4000। आपका जो फोकट का जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसका तो हुआ, लेकिन आपने तो कोई गलती नहीं किया, लेकिन आपने गलती नहीं किया फिर भी आपका जो है कि लगभग मिलाकर 10000 रुपया खर्च हो गया एक हफ्ता में, बताइए। तो एक हफ्ता जो 10000 रुपया गया फोकट में गया कि नहीं गया, किसके गलती के कारण गया? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अनसेफ एक्ट करता है, अच्छे से काम नहीं करता, वो अपना तो पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, दूसरों को भी मारता है। इसलिए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से बचिए और जो है कि सेफ्टी में सही तरीके से काम कीजिए। आप जो है कि दूसरे के गलतियों से सीखिए, समझ रहे हैं ना, आप जो है दूसरे के गलतियों से सीखिए, अपने गलतियों से सीखने का मौका दूसरों को ना दीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखिए, जो आपका बीता हुआ
कल है, जो बीत गया है, आपने बीता हुआ कल में क्या किया, गलतियां किया है, उस गलतियों से सीखिए, तब जो है कि आप लोग बहुत से एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।